जीडीसी में शोध प्रविधि एवं शोध लेखन विषय पर चल रही 3 दिवसीय कार्यशाला। जीडीसी कॉलेज में अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार से 3 दिवसीय शोध प्रविधि एवं शोध लेखन विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला के दौरान छात्राओं को उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के दौरान शोध कार्य की बारीकियों को समझाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क के बारे में भी विस्तार से बताया गया। 75% अब ये आप तुलना और सब सारणियों को मिलाकर के क्या करेंगे? निष्कर्ष करेंगे। तो निष्कर्ष को ही कहते हैं उपसंहार। उपसंहार कहते हैं उसको, और उपसंहार इन सबकी सिनॉप्सिस एक जैसी नहीं हो सकती, 100% एक जैसी नहीं हो सकती। एक कोई फॉर्मेट नहीं हो सकता कि उस फॉर्मेट पर आप सारे विषयों की सिनॉप्सिस बना के उस पर आप शोध प्रारंभ कर दें, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एक विषय की अपनी अपनी मांग होती है, अपनी अपनी डिमांड होती है ना। जैसे साइंस के विषयों की सिनॉप्सिस बनेगी तो वो बन करके वो अपने निष्कर्ष निकालेंगे, है ना। समाजशास्त्र अर्थशास्त्र में टेबुलेशन और आपका डाटा कलेक्शन, ये बहुत जरूरी है। साहित्य में जो आप अगर आप करते हैं तो साहित्य में आपको क्या करना पड़ेगा, विभिन्न विषय से संबंधित ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उनको एकत्रित करना पड़ेगा। पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, सेमिनार, शोध पत्र, इन सब का अध्ययन और लाइब्रेरियों में जाके आप